हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थर्ड वीक के जुलाई 2020 के। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि सेकंड वीक के बनाए थे जुलाई के, तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू आप मेरा वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसलिंग के पहले भारतीय सीईओ बने हैं। तो जयंत कृष्णा जो कि भारतीय के पहले सीईओ बने हैं, और क्या है ये जो यूके इंडिया जो बिजनेस कंपनी है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा लाभकारी संस्था है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि भारत में ये संस्था स्थापित, मतलब भारत में ये संस्था स्थापित होने के लिए मतलब बोला जा रहा है, मतलब घोषणा हुई है। और इसके द्वारा क्या हो रहा है कि रोजगार में मतलब नेटवर्किंग और ट्रेनिंग जो कि किसको मिलेगी, ब्रिटेन के जो व्यवसायिक प्रशासनिक को मिलेगी इससे, इसके थ्रू, यूके इंडिया बिजनेस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अमेजोनिया एक क्या है। तो ये एक क्या है, ब्राजील द्वारा विकसित उपग्रह है जो कि भारत के अंतरिक्ष संगठन है उसमें लॉन्च किया जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, क्या हो, किया जाएगा कि जो अमेजोनिया वन है ना, उसकी कटाई वगैरह जो की जा रही थी या होती है, तो उस पर क्या है, निगरानी रखी जाएगी। किसके द्वारा, इस उपग्रह के द्वारा, ठीक है। और ये उपग्रह में क्या है, ये खासियत है, और पहले क्या हुआ था अमेजोनिया में, क्या हुआ था, आग लग गई थी जिससे सब जल ने क्या हो गए थे, शॉक्ड रह गए थे, मतलब चिंतित भी हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे, इसलिए इस उपग्रह का लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोवाइज किस घटना से जुड़ा है। तो ये क्या है, नियोवाइज धूमकेतु को सी 2020 F3 नाम है ये इसका, F3, ठीक है, जो 22 जुलाई को पृथ्वी के नज़दीक होगा। मतलब ये एक धूमकेतु है जो मतलब पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, ठीक है। और अभी इसकी, इस धूमकेतु की जो दूरी है पृथ्वी से, वो है 103 मिलियन, ठीक है, ये हाल ही में ही है, होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हॉगिया सोफिया कहाँ स्थित है। तो ये तुर्की में स्थित है ये जगह। इसमें क्या हुआ था कि ये एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए ये प्रचलित है, क्योंकि पहले क्या था, इस इमारत पे क्या बनाया गया था, म्यूजियम बनवाया गया, फिर इसको तोड़ के अदालत बनवाई गई, उसके बाद में इसमें क्या बनवाई गई, मस्जिद बनवाई गई, फिर वापस पुनः इसको तुड़वाया गया, और लास्ट में 1935 में इसमें पुनः वापस मस्जिद का निर्माण कराया गया है। इसलिए हॉगिया सोफिया जो तुर्की में स्थित है, वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की संख्या है। तो अखिल भारतीय बाघ आकलन किया गया है कि 2018 से संख्या बढ़कर 2900 कितनी हो गई है, 67 हो गई है, ठीक है। मतलब ये जो टारगेट लगाया गया था कब तक का था, 2022 तक का था, पर 18 से पहले मतलब 18 में ही और अभी तक दुगनी हो चुकी है ये संख्या बाघों की, ठीक है, भारत में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटैली जू मैब चर्चा में क्यों है। क्योंकि इसकी खासियत है, ये एक दवा है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, सोरासिस एक बीमारी है, उसके लिए प्रयोग में ली गई है ये दवाई। और अभी क्या है, हाल ही में कोरोना व प्लेग के उपचार में ली जाती है। कौन से मेडिसिन है ये, इटैली जू मैब, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानाभ स्वामी मंदिर स्थित है। तो ये जो मंदिर है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, और इस मंदिर में क्या है कि एक शाही परिवार है जो इस पे क्या करना चाहता है, मतलब शासन करना चाहता है, इसको मतलब करना चाहता है, बट क्या हुआ है कि उच्च न्यायालय ने इसकी जो मतलब अदालत में खारिज कर दी है कि ठीक है आप कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इस मंदिर को बहाल कर दिया है वापस से, मतलब अभी तक कोई अधिकार नहीं कर पा रहा है इस मंदिर पे, जो कि केरल में स्थित है, कौन सा, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये, कौन सा, पदानाभ स्वामी जी का मंदिर, ये भगवान है केरल के, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार परियोजना क्या है? ईरान में बन रही एक रेल की परियोजना है। तो इसमें क्या था कि अब तक ईरान जो ये परियोजना बनवा रहा है उसमें भारत क्या है, मदद कर रहा था इस परियोजना में। पर हाल ही में क्या हुआ है, अभी जुलाई में, कि फंडिंग प्रॉब्लम की वजह से, मतलब फंड जो संस्था देती है, भारत देता है, उसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम हुई और ईरान ने क्या किया, भारत को अलग कर दिया है इस परियोजना से, रेल परियोजना जिसे कहा जा रहा है, चाबहार परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति हैं। तो सूरीनाम एक जगह है, कहाँ की, अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, ये देश है। तो इसके राष्ट्रपति जो बने हैं अभी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो बनी है हाल ही में, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डेसी बाउंसर थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली अंडर वाटर टनल बनेगी। तो भारत में ये अंडर वाटर टनल बन रही है, असम के गोहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 54 को नुमालीगढ़ स्थित NH-37 से जोड़ा जाएगा। इसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके अंडर में इन जो सड़कें हैं ये, उनको चार सड़कों को जोड़ा जाएगा और ये देश की पहली अंडर वाटर टनल बन रही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातानी पछेड़ी कहाँ की आर्ट है? तो ये गुजरात की टेक्स्ट स्टाइल आर्ट है। और इससे क्या होता है, मतलब इसमें क्या किया जा रहा है कि लोग क्या करते हैं, कपड़ों पर इस आर्ट को, मतलब माता की कहानी लिखते हैं, इस पर उकेरते हैं। ठीक है, इसलिए ये फेमस है ये आर्ट, जिसे कलम कला आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुइझोउ 11 चर्चा में क्यों है? तो ये इसलिए चर्चा में है, एक चीनी अंतरिक्ष प्रेक्षण है, मतलब रॉकेट है, जिसका नाम क्या है, KZ-11 है। इसके द्वारा क्या कर रहा है चीन, मतलब जो अंतरिक्ष के उपग्रह हैं उसको निचली सतह पर लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। दो बार चीन ने इसको, मतलब इस पर प्रयास किया है, किसके द्वारा, रॉकेट के द्वारा, पर रॉकेट में कुछ खराबी आने के कारण क्या हुआ है, वो जो मतलब लॉन्च किया है या जो बनाई गई थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मनाया गया है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टल बैटल में मतदान की उम्र सीमा घटने की प्रस्तावना की वजह है, मतलब क्या वजह से उम्र सीमा घटाई गई है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग में कोरोना काल के कारण उम्र सीमा घटाई गई है, नहीं तो पहले मतदान में 80 वर्ष तक के लोग क्या देते थे, मतदान देते थे, पर अभी कितनी कर दी गई है, हाल ही में जब चुनाव है तो 65 वर्ष के लोग ही पोस्टल बैटल में चुनाव में मतदान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है, तो 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है और हाल में ही मनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी बने ही है अशोक लवासा जी, अभी बने हैं एशियाई बैंक के नए उपाध्यक्ष। ठीक है, इससे पहले दिवाकर गुप्ता थे, उनकी जगह अशोक लवासा ने ली है अभी हाल ही में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में कितने निवेश की घोषणा की है? तो भारत के जो गूगल के CEO हैं वो है सुरेश पिचाई है, और उन्होंने क्या किया है, $10 बिलियन यानी कि 5 से 7 साल के लिए 75 करोड़ का निवेश किया है, मतलब वो किया है, वो घोषणा कर दी है और वो करेंगे अब किसके लिए, इंटरनेट के लिए, गूगल में। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों करंट अफेयर्स के जो ये क्वेश्चंस है 3rd week के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।